हे गाइस वेलकम बैक। सो 50,000 रुपए की लिस्ट बन चुकी है, 60,000 की बन चुकी है। अब बनाने वाले हम 70,000 रुपए में से कौन से लैपटॉप हैं जो आपको पसंद आएंगे, वो वाली लिस्ट। सो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, 70,000 एक्चुअली एक ऐसा प्राइस ब्रैकेट है जो ऑकवर्ड मिडिल चाइल्ड बन जाता है। मतलब 80,000 रुपए में कमाल के सीपीयू मिलते हैं एंड 60,000 रुपए में कमाल के सीपीयू के एंट्री लेवल वाले सीपीयू मिल जाते हैं। अब 70,000 में वो 80,000 रुपए वाले सीपीयू नहीं दे सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, 60,000 वाले सीपीयू को ही 70,000 वाले लैपटॉप में डालते हैं बट रैम बढ़ा देते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं तो 70,000 रुपए में लैपटॉप्स अच्छे वाले ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको 60,000 में मिल जाती है, बस उनमें 8GB की रैम होती है एंड 70,000 रुपए वाले लैपटॉप्स में आपको 16GB वाली रैम मिल जाती है। मोस्टली ये डिफरेंस रहता है एंड गेमिंग लैपटॉप्स में आपको RTX 3050 मिल जाता है, ये एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली है। सो जल्दी से आपको प्रोफेशनल लैपटॉप्स एंड गेमिंग लैपटॉप्स बताने वाला हूं जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे एंड जितने भी लैपटॉप्स हैं सभी के बेस्ट बाइंडिंग्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो जल्दी से को शुरू करना है। सो गाइस, जो सबसे पहला लैपटॉप है दैट इज Lenovo IdeaPad Slim 5 Pro एंड इसमें आपको Ryzen 7 5800U का सीपीयू देखने के लिए मिलता है, जो वन ऑफ द बेस्ट सीपीयूज है इस प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें आपको 8 कोर का सीपीयू देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों एंड इसमें आपको मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.4GHz वाली मिल जाती है। इसमें आपको MS Office लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, इसमें आपको 16GB की रैम मिल जाती है एंड इसमें आपको 512GB की SSD मिलती है। 512GB की SSD को आप अपग्रेड कर सकते हो, 16GB RAM is the maximum amount of capacity of this laptop and इसमें आपको 100% sRGB वाला डिस्प्ले मिलता है, मतलब काफी ज्यादा कलर एक्यूरेसी वाला डिस्प्ले है। डिस्प्ले इसमें 14 इंचेस का है, 2.2K रेजोल्यूशन वाला है दोस्तों और ब्राइटनेस 300 निट्स की है। ले देके काफी ज्यादा तगड़ा डिस्प्ले है, फुल मेटल बॉडी डिजाइन है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बैकलिट कीबोर्ड है एंड इसमें कंपनी ने क्लेम किया 8 घंटे तक की बैटरी बैकअप, बट आपको 6-6.5 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाएगी एंड इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। प्लस इसका जो कैमरा है उसमें आपको IR एनेबल्ड कैमरा मिल जाता है, सो वो भी एक अच्छी चीज है। ऑडियो बोलूंगा, इस लैपटॉप की जो ऑडियो आउटपुट है बेसिकली वो इतनी मेरे को मतलब खास नहीं लगी, बट ऑफिस के लिए हो या फिर कॉलेज के लिए या फिर स्कूल के लिए ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। कमाल का सीपीयू, बढ़िया डिस्प्ले एंड 16GB की रैम मिल जाती है। सो इसको आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो अगर आपका मन है एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बहुत ही टिकाऊ लैपटॉप है। Lenovo के लैपटॉप मुझे सबसे ज़्यादा टिकाऊ लगते हैं एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ लैपटॉप है क्योंकि मेटल बॉडी के साथ आता है। अगर आप सोचो कि इसमें ग्राफिक्स कौन से हैं, तो AMD Radeon के आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो कि मैक्सिमम प्रोफेशनल लैपटॉप में यही ग्राफिक्स मिलते हैं। अगले लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों एंड ये है Asus VivoBook Pro 14 OLED। सो जिस इसका नाम है वैसे इसका काम है, मतलब OLED डिस्प्ले के साथ तो आता ही है। इसका एक Ryzen 5 5600H वाला वेरिएंट मैंने यूज़ किया है, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है अपने परफॉर्मेंस को लेके एंड इसमें आपको 8 कोर वाला Ryzen 7 5800H मिलता है। जो लास्ट लैपटॉप दिखा वो U सीरीज़ का था, ये H सीरीज़ का है, डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है एंड इसकी USP लेकिन अभी भी है। इसकी डिस्प्ले 2.8K वाली OLED डिस्प्ले है 16:10 के रेशियो में, 90Hz का रिफ्रेश रेट है इसका एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये सेम डिस्प्ले उस वाले लैपटॉप में Asus VivoBook Pro 5600H वाला एंड कमाल की डिस्प्ले है, मतलब मजा आ जाएगा आपको। लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि ये OLED पैनल है तो ये ग्लॉसी पैनल है, आपको रिफ्लेक्शन वगैरह नजर आएगी एंड जितने भी OLED पैनल्स होते हैं वो सारे के सारे ग्लॉसी होते हैं। सो आप इस ब्रांड से लो या किसी और ब्रांड से लो, अगर वो OLED पैनल है तो वो ग्लॉसी पैनल ही होगा, लेकिन ये बेस्ट डिस्प्ले है इस प्राइस ब्रैकेट में, मतलब इससे अच्छी डिस्प्ले आपको और किसी लैपटॉप में नहीं मिलने वाली, दैट इज फॉर श्योर। बाकी इसमें आपको 16GB रैम मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है, जो SSD उसको आप रिप्लेस करके अपग्रेड कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट्स नहीं गिवन है, MS Office लाइफ टाइम के लिए है एंड इसमें भी आपको जो ग्राफिक्स मिल जाते हैं वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं Ryzen के, तो इसमें आप गेम्स आराम से खेल सकते हो, मैंने खुद खेल के देखे हुए हैं। मतलब Ryzen 5 5600H में अगर चल गए तो इसमें भी चल जाएंगे क्योंकि ग्राफिक्स मोर ऑर लेस सेम ही है। सो ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है, बैटरी बैकअप भी आपको ऑलमोस्ट 5.5 घंटे तक की मिल जाएगी मैक्स, उससे ज़्यादा बैटरी बैकअप भी नहीं देगा एंड इसमें आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, विच इज़ इनसेन इन द डिस्प्ले डिपार्टमेंट। बाकी ले देके इसका कीबोर्ड काफ़ी बढ़िया, बैकलिट कीबोर्ड है, स्ट्रॉन्ग कीबोर्ड है, फ्लेक्स नहीं है, लिड जो है वो मेटल की बनी हुई है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है आपको इसमें एंड ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा पैकेज है इस प्राइस ब्रैकेट में। मतलब काफ़ी अच्छा CPU, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले, ओवरऑल एक छोटा लैपटॉप है। अगर आप सोचोगे कितने इंच का पैनल है, तो 14 इंच का पैनल है एंड मैं बोलूँगा इसको मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ, मतलब ऐसे ही
लैपटॉप मैंने यूज कर रखा है, सो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। अगर आपको कोडिंग करनी है, या आप स्कूल में हो, या अगर आप कॉलेज में हो, या फिर इवन आप ऑफिस जाते हो, तो भी ये लैपटॉप काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। और एक चीज जो मैं बताना भूल गया इस लैपटॉप से रिलेटेड, इसकी स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी है एक प्रोफेशनल लैपटॉप के हिसाब से, यू विल लव इट। एंड इसका जो ट्रैक पैड है उसका साइज भी बड़ा है, जो बाकी लैपटॉप में थोड़ा छोटा ट्रैक पैड मिलता है। सो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले लैपटॉप की तरफ। ये है लेनोवो की तरफ से अगेन, लेनोवो आइडियापैड स्लिम 5। ये लेकिन i5 12th जेन के साथ आता है एंड इसका मॉडल है 1235U, जो कि एक 10 कोर का CPU है, बहुत ही तगड़ा CPU है, काफी बढ़िया CPU है। एंड इसमें आपको 16GB की RAM मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है, SSD अपग्रेड कर सकते हो, RAM अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में है। फर्दर इसमें आपको MS Office लाइफटाइम के लिए मिलता है एंड इसका जो पैनल है वो 15.6 इंचेस का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, लेकिन 45% NTSC के साथ आता है। इसमें आपको 100% sRGB नहीं मिलता है। बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड इसका भी जो लिड है वो मेटल का बना हुआ है, सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है इसका CPU बहुत ही तगड़ा है, लेटेस्ट CPU है, सो इसको डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, यू विल लव इट। 4.4GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है एंड इसमें आपको आयरिस XE ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स तो हैं बट इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की दुनिया में सबसे बेस्ट माने जाते हैं, सो इनको डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गेमिंग अगर करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, GTA 5, वैलोरेंट, ये सारे जो गेम्स हैं आराम से चल जाएंगे। ऑफिस का काम तो डेफिनेटली हैंडल कर लेगा ये, लाइक मजाक में हैंडल कर लेगा। और अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हो जो थिन एंड लाइट हो एंड छोटी मोटी गेम्स आपको खेलनी है, बहुत ही बड़े गेमर नहीं हो आप, कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो, तो भी हैंडल कर लेगा, ये बहुत ही सक्षम लैपटॉप है इस मामले में। सो इस लैपटॉप में एक्चुअली बताऊं तो सारे जितने भी अब तक लैपटॉप बताए उनके हिसाब से बेस्ट CPU एंड GPU कॉम्बिनेशन है, क्योंकि CPU बढ़िया है, नो डाउट इन दैट, एंड इसमें एक्चुअली GPU आपको बहुत अच्छा मिलता है। बाकी लैपटॉप्स में CPU बहुत बढ़िया है लेकिन GPU उनके मुकाबले इतने अच्छे नहीं दिए गए, मतलब उनमें सारे काम हो तो जाते हैं बट रिलेटिवली ये वाला GPU ज्यादा बेटर है, इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो जाता है। लेकिन इसकी डिस्प्ले आप याद रखना 45% NTSC वाली है, फुल HD पैनल है, IPS एंटी ग्लेयर बट 45% NTSC वाली। सो दोस्तों यही थे कुछ प्रोफेशनल लैपटॉप जो मुझे अच्छे लगे 70,000 रुपए में। अब मैं बात करने वाला हूँ गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। सबसे पहला है हमारा प्यारा दुलारा HP विक्टस। ये राइजन 5 5600H के साथ आता है, ये 6 कोर का CPU है, लेकिन इसमें आपको RTX 3050 मिल जाता है, जो इस प्राइस ब्रैकेट में डेफिनेटली जस्टिफाइड है। एंड इसमें आपको फुल HD एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है 16.1 इंचेस वाली एंड 144Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। इसमें आपको MS Office डेफिनेटली मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी वाइज ये लैपटॉप अच्छा है बट हाँ स्क्रीन वॉबल होती है, सो अगर आप इस लैपटॉप को लेकर बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हो, आपको मतलब एक ही जगह पर बैठ के गेम खेलना है, काम करना है, तो ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है। एंड ऑब्वियसली 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे गेम्स चल जाएंगे, लाइक इवन जो AAA टाइटल्स हैं वो भी हैंडल कर लेगा, दो एट लो टू मीडियम सेटिंग्स बट कर लेगा। उसके बाद बैकलिट कीबोर्ड है, जो रैम है, स्टोरेज है, वो डेफिनेटली आप अपग्रेड कर सकते हो, मतलब ये चीज तो हर एक गेमिंग लैपटॉप में आपको मिल जाती है। सो दोस्तों ये काफी ज्यादा तगड़ा लैपटॉप है, अगर आपको एक बड़ी स्क्रीन वाला गेमिंग लैपटॉप चाहिए इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और हाँ जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं मुझे सबसे अच्छी बैटरी बैकअप विक्टस की लगती है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में बड़ी बैटरी दे रखी है इन लोगों ने। अब बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ जो आता है डेल की तरफ से, डेल G5। इसमें आपको सेम राइजन 5 5600H 6 कोर वाला CPU मिल जाएगा एंड इसमें भी RTX 3050 है, 4G वाला डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, 8GB की रैम है, 512GB की SSD है। इसमें आप रैम और जो स्टोरेज है दोनों को अपग्रेड कर सकते हो, बाकी सेम डिस्प्ले है जो पिछले लैपटॉप में था एंड बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है। सो ले देके सेम ही सारी कॉन्फ़िगरेशन है बट ये डेल की तरफ से आता है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा यूनिक है। बैटरी बैकअप डेफिनेटली विक्टस में ज़्यादा थी लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लैपटॉप है, लाइक इसकी बिल्ड उससे थोड़ी सी बेटर है, सो इसको भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों ये थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें आपको राइजन 7 4800H वाला CPU मिलता है, जो कि एक 8 कोर का CPU है एंड भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा CPU है, मतलब यू विल लव द परफॉर्मेंस। उसके बाद इसमें आपको 16GB की RAM मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है, आप अपग्रेड कर सकते हो एंड इसमें भी आपको RTX 3050 का 4G वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, सो सारे गेम्स आराम से हैंडल कर लेगा क्योंकि ग्राफिक कार्ड बहुत बढ़िया है एंड CPU तो बहुत ही अच्छा है, लाइक बेस्ट CPUs है ये इस प्राइस ब्रैकेट में एंड विंडोज ऑफिस भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। बाकी सेम फुल HD पैनल एंटी ग्लेयर वाला 144Hz का एंड इसकी बिल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो बिल्ड के मामले में भी ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। इस लैपटॉप को डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है ये गेमिंग लैपटॉप बेसिकली 70,000 रुपये में। एंड जो अगला लैपटॉप है दोस्तों ये है MSI GF63 Thin।
ये i7 11th जेन के साथ आता है 11800H, जो कि एक काफ़ी अच्छा CPU है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो जो 5600H आ रहा है Ryzen की तरफ से, उससे बेटर CPU है, नो डाउट। एंड 4.6 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है इसमें, और RTX 3050 4G वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, 8GB की रैम है, 512GB की इसमें आपको स्टोरेज मिल जाती है। दोनों को आप अपग्रेड डेफिनेटली कर सकते हो इसमें, लेकिन एक चीज़ की कमी लगी मुझे, सब कुछ अच्छा दे दिया, मतलब जो CPU है, जो GPU है बढ़िया है, तो 60Hz का पैनल क्यों दिया पता नहीं, क्योंकि ये लैपटॉप डेफिनेटली एक बेटर रिफ्रेश रेट हैंडल कर सकता था, मतलब इसमें आपको 120Hz या 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता तो बढ़िया रहता। वैसे ये लैपटॉप भी बढ़िया, आपको कोई दिक्कत वैसे आएगी नहीं, तो यही बोलूंगा कि लैपटॉप तो बहुत ही मस्त है, इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी जो इसमें कीबोर्ड है वो डेफिनेटली बैकलिट कीबोर्ड है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि क्योंकि MSI की तरफ से आता है, MSI की आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है बाकी लैपटॉप के कंपैरिजन में। सो अगर आप एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे MSI की सर्विस सेंटर नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आप इसको कंसिडर मत करना, क्योंकि अगर ख़राब हुआ फिर आप ही को दिक्कत हो जाएगी। बाकी ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज तो आपके सारे काम हैंडल कर लेगा, वीडियो एडिटिंग हो गया या गेमिंग हो गया, जितने भी लैपटॉप्स बताए मैंने, प्रोफेशनल लैपटॉप से लेके गेमिंग लैपटॉप, सब में वीडियो एडिटिंग आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4K एडिटिंग भी हो जाएगी, भले ही 5-6 लेयर की नहीं, बट आराम से 3-4 लेयर की हो जाएगी। एंड 1080p मतलब फुल HD वाली वीडियो एडिटिंग भी आराम से हो जाएगी। बाकी गेमिंग लैपटॉप्स में गेम्स थोड़े और बेटर चल जाएंगे, यही फ़र्क है प्रोफेशनल लैपटॉप और इनमें, ये थोड़े भारी हैं, वो थोड़े लाइट हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। सो दोस्तों, यही थे कुछ लैपटॉप्स जो मुझे 70,000 रुपये में पसंद आए, गेमिंग लैपटॉप्स भी, प्रोफेशनल लैपटॉप्स भी। मैंने सारे लैपटॉप की जो लिस्ट बनाई थी 70,000 की, वो मैंने आपको सौंप दी। अब आपका जो भी मन आप वो करो, आपको खरीदना है खरीद सकते हो, बेस्ट बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड अगर आपका फर्दर कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दे दूंगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।